हेलो ब्रियान, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय न्यूट्रिशन वेलनेस कोच कौशल मेहता, मेरा मिशन है 1 मिलियन लोगों को डिजीज फ्री लाइफ कैसे जिए उसके बारे में, होलिस्टिक न्यूट्रिशन मेथड के थ्रू, वह भी 90 दिन में, बिना दवाई, बिना डॉक्टर के। आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है कि पाचन तंत्र खराब होने से हम लोगों के पास कितना बीमारी का सामना करना पड़ता है। जो हम लोग का जो पाचन तंत्र खराब होता है उसमें जो है हम लोगों के का 11 बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और वह 11 बीमारी हम लोगों को नहीं हो और पाचन तंत्र खराब ना हो, पहले हम सबसे पहले जो है 11 बीमारी का नाम बताते हैं और उसका सिम्टम्स बताते हैं, वह बीमारी का सिम्टम, जिससे कि आप अपने आप खुद भी पता कर लें कि यह बीमारी हमारे शरीर में है और नहीं है तो होने वाला है। मेरे समाज को इस तरह का भी सिम्टम्स दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है, तो उससे पता हो जाए कि हमको यह बीमारी है। चलियो चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में है GRD। GRD क्या है? GRD है सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्स, उल्टी आना, यह सब जो है हम लोगों का मेन कारण है। इसमें पेट में एसिड बार बार आने, मुंह में, पेट में, नली में, ग्रास नली में जो एसिड बनता है हम लोगों का वह चला जाता है। यह हम लोगों का मेन है। इससे यह पर से जब पाचन तंत्र क्षतिग्रस्त होता है तो इसमें कई तरह के बीमारियों का स्थितियां पैदा हो जाती है, जिसमें कुछ समान बीमारी जो आपको बताए 11 तरह का। अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और 3 जन को यदि वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फायदा एक होता है। दूसरा में आता है IBS। अभी के समय में IBS हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो IBS है इसमें क्या लक्षण है? पेट में दर्द, सूजन, दस्त और कब्ज, यह सब लक्षण है, और इसका कारण है कि, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध आंत मस्तिष्क के बीच का अंत क्रिया में है। नंबर 3 पर आता है सूजन, आंत रोग, IBD। इसका प्रकार जो है कोहन रोग और अर्थराइटिस कॉन्टिस होता है। लक्षण गंभीर दस्त, दर्द, थकान और वजन घटना, ये मेन कारण हुआ इसका। नंबर 4 पे जो आता है सेलियक रोग। सेलियक रोग जो होता है इसका लक्षण है दस्त, सूजन, गैस और थकान, एनामिया, मतलब एनामिया खून की कमी, अपने आप आपको कमजोरी महसूस होगा, और कारण है ग्लूकोटिन, गेहूं और राई में पाए जाने वाला प्रोटीन, खाने में होने वाला प्रतीक्षा प्रणाली। और नंबर 5 पाता है पित्ताशय की पथरी। अब बात आती है कि हम लोग यदि पाचन तंत्र खराब होता है उसमें जो है 5वां नंबर पर पित्ताशय में पथरी हो जाते हैं। जो पथरी का लक्षण है पेट में ऊपरी और दाहिने हिस्से में अचानक और तीव्र दर्द होना होना, और कारण जो है आपके पित्ताशय में पाचन द्रव का कठोर जमा हो सकता है, इसके कारण से पित्ताशय में पथरी हो जाता है। डायकूटिशियंस, इसका जो लक्षण है पेट में दर्द, हल्की बुखार, मितली, मल त्याग की आदतों में उल्लेखनीय परिवर्तन जो देखने को मिलता है, और इसका जो कारण है आपके पाचन तंत्र को दीवारों में बनने वाली छोटी धमनियां की सूजन और संक्रमण। छोटी धमनियां जो हम लोगों को पित्ताशय में है उस दीवारों में जो है सूजन हो जाता है और संक्रमण हो जाता है, यह सब जो है मेन कारण है। और आपके पित्ताशय में पाचन तंत्र का कठोर जमा हो जाता है। नंबर 7 पर आता है पेप्टिक अल्सर। आप लोग जानते होंगे कि पेप्टिक अल्सर से हम लोगों को कैंसर तक हो जाता है हाथ में। इसका लक्षण है पेट में जलन, पेट में दर्द, पेट फूलना, सीने में जलन और मितलाती, मतलब आपका उल्टी जैसा आना, और इसका जो कारण जो है आपके पेट की अंदरूनी परत और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से पर विकसित होने वाले खून
फूले घाव, आंत में जो है घाव हो जाता है, पेप्टिक कैंसर, और यह घाव एक दिन यदि आप ध्यान नहीं दिए तो कैंसर का रूप ले लेता है। और कैंसर का रूप लेने के बाद तो सबको पता है कितना हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। नंबर 8 पे आता है अकृत रोग। अकृत रोग का जो प्रकार है हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लिवर का रोग, जैसे फैटी लिवर हो जाते हैं। और नंबर इसका जो कारण है शराब का दुरुपयोग, वसा संयत और असहित भीड़ का कारण, मतलब शराब ज्यादा पीते हैं, नशा का ज्यादा सेवन करते हैं, इसके कारण से यह परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 10 पे आता है कोलन कैंसर। इसका जो लक्षण है मल त्याग की आदतों में परिवर्तन, मल में रक्त आ जाना और कमजोरी और थकान महसूस होना। यदि कमजोरी और थकान महसूस होता है आपको कोलन कैंसर का असर होने लगा है। और कारण है वृद्धादत्त में कैंसर युक्त वृद्धि, आपको धीरे धीरे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 11 पे जो आता है गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस जो है मितली, उल्टी, जल्दी पेट भर जाना, आसास, पेट फूलना और पेट में दर्द, पेट की मांसपेशियों को ठीक से काम न करने के कारण गैस्ट्रिक खाली होने देती है। यह सब आपको सिर्फ एक बीमारी में 11 बीमारी पैदा होता है सिर्फ पाचन तंत्र। इससे पहले इससे अच्छा है आप पाचन तंत्र को लाइफ टाइम स्वस्थ और मस्त रखें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, आप मेरे कम्युनिटी में जुड़िए। कम्युनिटी में जुड़ने से आपको जो फायदा होगा, आपका हर एक सप्ताह हेल्थ चेकअप होगा, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे डॉक्टर के साथ। उसके बाद आपको फ्री ई बुक मिलेगा, ई बुक से आप डाइट जो आपका खाना का रूटीन है रूटीन आपको वह ई बुक मिलेगा। उसके बाद जो है योगा के थ्रू आप मेरे कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो आपको योगा के थ्रू आपको पाचन तंत्र खराब होने नहीं देंगे। सारा हम लोगों का जो कम्युनिटी है उसमें हर एक सप्ताह आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद आपको कहीं घर में कोई भी परेशानी हो हम लोगों को कम्युनिटी में ब्लड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट होता है, वह भी ऑल ओवर इंडिया में आप ब्लड ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप हाई करके मेरे कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद इतना लाभ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो इंडिया में पहली बार ऐसा व्यवस्था किया गया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो वीडियो आपको हम दिए कि अब एक पाचन तंत्र के बारे में 11 बीमारी हुआ, अब 11 बीमारी का जो है कैसे इसका सोल्यूशन होगा और क्या हम अपने भोजन में प्रयोग करें कि हमको यह बीमारी ना हो और पाचन तंत्र स्वस्थ और मस्त रहे। और यदि कम्युनिटी में तो जरूर आ जाइएगा। चलिए, धन्यवाद।